सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5 रुपए 80 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 394 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर एक टॉप बना 431 रुपीज का। 431 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिलेगी जहां पर स्टॉक का नीचे 369 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया गया और यहां पर देखें तो पहले भी इस प्राइस को स्टॉक ने रिटेस्ट करने के बाद स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आया। तो 369 रुपीज पर स्टॉक में देखें तो एक 3 बॉटम बनता हुआ नजर आ रहेगा जहां पर स्टॉक ने 3 टाइम सेम प्राइस टच करने के बाद स्टॉक में एक अपसाइड मूव बनता हुआ नजर आया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 397 रुपीज का जहां पर स्टॉक ने लास्ट ट्रेड को भी इस प्राइस को रिटेस्ट करके ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो 385 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें नीचे का और ऊपर के टारगेट अराउंड 435 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 397 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर में क्लोजिंग बना लेता है, क्योंकि ये जो रेड कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज की तरह है। स्टॉक एक बार इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक सपोर्ट लेवल बना लेता है तो स्टॉक में एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।